हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिल्क केक रेसिपी। है मेरा मोस्ट 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 फेवरेट स्वीट डिश है एंड लॉकडाउन चल रहा है तो हम बाहर से नहीं ले सकते, तो मैंने सोचा क्यों नहीं घर पे बनाऊँ। इंटरेस्ट में बहुत ही यमी बना था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू मेक मिल्क केक। तो मिल्क केक बनाने के लिए मैंने लिया है 3 पैकेट बफेलो मिल्क। ये फुल क्रीम मिल्क है, यू कैन यूज़ काउ मिल्क एज वेल। शुगर, लेमन दूध को फाड़ने के लिए एंड अ कंटेनर जो कि थोड़ा थिक होना चाहिए। एक टिप यहाँ पर है कि आप नॉन स्टिकी कंटेनर ना यूज़ करें, क्योंकि क्या होता है आपको पूरे टाइम उसे स्टर करना रहेगा एंड नॉन स्टिकी में यदि आप स्टर करेंगे तो उसमें स्क्रैचेस आ सकते हैं। सो नॉन स्टिकी कंटेनर यूज़ ना करें। अदर देन नॉन स्टिकी आप कुछ भी कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थिक कंटेनर यूज़ करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका दूध जो है उसमें नीचे से जलना मत स्टार्ट कर दे। सो इसलिए थोड़ा सा थिक कंटेनर यूज़ करें। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, मैंने अभी गैस पे मीडियम फ्लेम पे दूध को रख दिया है और इसको एक बॉयल आने तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर ही कुक कर लेंगे। सी आई पर्सनली आई एम नॉट अ स्वीट लवर, मुझे सॉल्टी चीज़ें पसंद आती हैं, बट कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद आती है उनमें से एक मिल्क केक है एंड आई लव मिल्क केक। एंड मुझे बहुत टाइम से क्रेविंग्स हो रही थी मिल्क केक की, बट यू नो लॉकडाउन चल रहा है, 3 महीने जैसे तैसे वेट किया, बट फिर सोचा यार चलो एक ट्राई तो देना बनता है, राइट? सो क्यों ना सिर्फ हमको 2-3 इंग्रेडिएंट्स से जब घर पे बना सकते हैं तो हम एक ट्राई तो दे ही सकते हैं। सो फिर मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ। इसके लिए मैंने फिर मिल्क केक बनाया एंड ट्रस्ट मी, इतना यमी मिल्क केक बना था कि हमें समटाइम्स ऐसा बाजार से भी नहीं मिलता है। एंड प्योरिटी इज़ 100%, बट इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। बट जितना पेशेंस आप जितने पेशेंस से आप बनाएंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। सो अब जो मेरा दूध है वो आधा हो चुका है, मैंने उसको अच्छे से स्टर कर लिया है, आधा कुक हो चुका है। अब इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे लेमन। सो हमें बेसिकली यूज़ करना है 1 स्पून, बट आप पहले हाफ स्पून यूज़ करके देखिए, यदि आपको लगता है तो ही आप हाफ और यूज़ करना। बट मैंने हाफ हाफ करके 1 स्पून पूरा यूज़ किया था, तो थोड़ा हाफ स्पून डाला एंड देन उसको स्टर किया एंड देन अगेन मैं उसमें हाफ स्पून ऐड करूँगी। मतलब टोटल मैंने 1 स्पून लेमन लिया था, लेमन जूस, एंड मैंने उसको अच्छे से डाला एंड उसको कंटिन्यूसली आपको स्टर करना है, स्टर करना है, स्टर करना है। दिस इज़ ओनली की प्रोसेस। एंड वन मोर थिंग जो मुझे लर्न हुआ, क्योंकि मैंने जीवन में पहली बार दूध फाड़ा था, आपको तुरंत लेमन डालते से दूध नहीं फटेगा, आपको थोड़ा उसे टाइम देना पड़ेगा। ये जो है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे लगा था लेमन डालूंगी और दूध फट जाएगा, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको थोड़ा टाइम लगता है, धीरे 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 करके फटता है वो। तो अब क्या है, धीरे 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 उसमें आप देखना धीरे धीरे ग्रैन्यूल्स उसमें आने लगेंगे, लेकिन उसको फटने में थोड़ा टाइम लगा। एंड देखिए छोटे छोटे आपको ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, ये आना स्टार्ट हो गए, मतलब हमारा जो दूध है वो फटना स्टार्ट हो गया है। हमारा मिल्क जो है वो थिक होने लगा है, इसमें बॉयल आने लगे। इस स्टेज में आपको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है एंड बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो दूध आपका नीचे से लगने लगेगा। एंड साइड्स में भी आपको कंटिन्यूसली ऐसे स्क्रैच करते जाना है, क्योंकि यदि वो थोड़ा सा भी जल जाएगा ना तो स्मेल बहुत ज़्यादा ख़राब आएगी और उसकी वजह से पूरा टेस्ट में इफ़ेक्ट आएगा। सो आपको इस स्टेज के बाद से कंटिन्यूसली स्टर करना है। आप देख सकते हैं हमारे दूध से पूरा पानी उड़ चुका है, हमारा दूध जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है।
एंड इस स्टेज में आप इसको बिल्कुल भी ना छोड़े, कंटिन्यूसली स्टर करते रहे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर, जो कि है 3/4 कप शुगर लिया है मैंने। अप्रॉक्सीमेटली यदि वेट में मेजर करें तो 150 ग्राम्स लिया है। एंड देन मैं शुगर को एक बार में पूरी नहीं डालूँगी, मैं उसको पहले हाफ़ पोर्शन में डालूँगी एंड देन हाफ़ बाद में डालूँगी। एंड शुगर डालेंगे तो जैसे ही शुगर मेल्ट होगी तो वो उसमें से थोड़ा सा पानी निकलेगा, बट डरने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके। हम इसको तब तक स्टर करेंगे जब तक इसमें से इसका वाटर पूरा ड्राई ना हो जाए, तो हम इसको तब तक करेंगे। पहले हमने आधी शुगर डाली, उसको मेल्ट करा एंड देन फिर मैं दूसरे बैच में फिर से शुगर डालूंगी। ये मेरी रिमेनिंग शुगर है, मैंने इसको अगेन ऐड कर लिया एंड देन इसको एक अच्छा सा मिक्स करूंगी एंड मिक्स तब तक करूंगी जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए। इट्स टाइम फॉर आर सीक्रेट इन्ग्रीडियंट विच इज़, येस करेक्ट, विच इज़ घी। हम कैसे बाज़ार से लेते हैं तो उसमें एक अलग ही शाइन रहती है मिल्क केक में, उसमें क्योंकि वो यूज़ करते हैं घी का, जिसकी वजह से एक अलग सॉफ्टनेस और शाइन रहती है एंड खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। सो मैंने इन टोटल 3 स्पून घी का यूज़ किया। तो मैंने पहले 1 चम्मच डाला, उसको मिक्स किया एंड देन मैं रिमेनिंग 2 चम्मच और डालूँगी एंड देन उसको मिक्स करूँगी। यू कैन एड इलायची पाउडर और वॉट एवर यदि आपको पसंद है तो, बट मिल्क केक जो है मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं कुछ भी इलायची पाउडर एंड कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाल रही हूँ, बट यदि आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे ऐड किया है घी एंड मैं अगेन इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेरा मिक्सर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तब तक मैं अपना एक, जिसमें भी मुझे मिल्क केक को जमाना है, मैं उसको ग्रीस कर लूँगी। आप इसके बदले केक टिन यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक कंटेनर लिया है, उसमें मैं इसको कर रही हूँ एंड देखिए हमारा मिक्सर रेडी हो गया। कैसे पता चलता है रेडी हो गया? ये कढ़ाई जो है वो छोड़ने लगा, इट मीन्स हमारा मिक्सर जो है वो रेडी हो गया। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी मेरे उस कंटेनर में मैं जिसमें उसको जमाने वाली हूँ एंड इसको हमको रूम टेम्परेचर में रखना है कि जो हीट से ये अगेन थोड़ा सा इसका कलर जो है वो डार्क हो जाए। तो मैंने इसको कंटेनर में डाला है, 3-4 घंटे मैंने रख दिया है एंड आफ्टर 3-4 आवर्स आप देख सकते हैं कि पूरा मिक्सचर जो है मेरा रेडी हो चुका है। एंड मैं इसको पलट लेती हूँ अपनी प्लेट में एंड ये इजीली निकल जाता है। सो हियर इज़ माई फाइनल रिज़ल्ट, इट्स सो यमी गाइज़।